107.8 FM हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज। किस्सा है जिंदगी, किस्सा है जिंदगी, किस्सा है जिंदगी। तो किस्सा है जिंदगी में मैं हूं आप सभी के साथ आरजी ज्योति, और आज किस्सा है जिंदगी में एक बार फिर से जिंदगी का एक नया किस्सा जो बनेगा हमारी जिंदगी का हिस्सा। तो फिर से आज एक छोटी सी कहानी आप सभी के लिए, तो चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। एक गांव में कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाया करता और उसे शहर में जाकर बेचा करता। जैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन उसकी बीवी बोली कि अभी मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाना बंद करो और शहर जाकर कोई नौकरी ही कर लो, क्योंकि इससे तो हमारा गुजारा नहीं होता। काम करोगे तो महीने के आखिर में कुछ तो पैसे आएंगे। कुम्हार को भी अब यही लगने लगा था, पर उसको मिट्टी के खिलौने बनाने का बेहद शौक था, लेकिन हालात से मजबूर था और वो शहर जाकर नौकरी करने लगा। नौकरी करता तो जरूर, पर उसका मन अपने मिट्टी के खिलौने पर ही रहता। समय बीतता चला गया और एक दिन शहर में जहां वो काम करता था उस मालिक के घर पर उनके बेटे का जन्मदिन था। सब महंगे महंगे तोहफे लेकर आए। कुम्हार ने सोचा, क्यों ना मैं मिट्टी का खिलौना बनाऊं और बच्चे के लिए लेकर जाऊं। वैसे भी हम गरीबों का तोहफा कौन देखता है। ये सोचकर वो मिट्टी का खिलौना लेकर गया। तो जब दावत खत्म हुई तो उस मालिक के बेटे को और जो भी बच्चे वहां आए थे, सभी को वो खिलौना बेहद पसंद आया। वो सब जिद करने लगे कि उनको भी वैसा खिलौना चाहिए। सब एक दूसरे से पूछने लगे कि ये शानदार तोहफा आखिर लेकर कौन आया। तब किसी ने कहा कि ये तोहफा आपका नौकर लेकर आया है। सब हैरान, पर बच्चों की जिद के लिए मालिक ने उस कुम्हार को बुलाया और पूछा कि तुम ये खिलौना कहाँ से लेकर आए हो और इतना महंगा तोहफा तुम कैसे लेकर आए। कुमार ये बात सुनकर हंसने लगा और बोला, माफ कीजिएगा मालिक, ये कोई महंगा तोहफा नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है। गांव में यही बनाकर तो मैं गुजारा किया करता था, लेकिन उसे घर नहीं चलता था, इसलिए आपके यहां नौकरी करने आया हूं। मालिक सुनकर हैरान हो गए और बोले, क्या तुम ये खिलौने और बच्चों के लिए भी बना सकते हो? सभी इसके लिए बहुत जिद कर रहे हैं। कुमार खुश होकर बोला, हाँ मालिक, और उसने सभी के लिए शानदार रंग बिरंगे खिलौने बनाकर दिए। ये देखकर उसके मालिक ने सोचा कि क्यों ना मैं खिलौनों का ही व्यापार कर लूं। ये सोचकर उसने कुम्हार को खिलौने बनाने के काम पर लगा दिया और बदले में हर महीने अच्छी तनख्वाह और रहने का घर भी दिया। ये सब पाकर कुम्हार और उसका परिवार बहुत खुश हुआ और कुम्हार को उसके पसंद का काम भी मिल गया। तो ये किस्सा कहीं ना कहीं हमें ये जरूर सिखाता है कि हम सब में एक हुनर होता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। और कई बार होता है दूसरों की जिंदगी देखकर हम ये सोचते हैं कि काश वो जिंदगी हमारी भी होती, लेकिन सच ये है कि उस शख्स को अपनी योग्यता की पहचान होती है। इसलिए अपने अंदर की उस खास बात को पहचानिए और बस जुट जाइए अपनी जिंदगी में अपनी गोल को अचीव करने में। जल्द मुलाकात होगी किस्सा है जिंदगी में एक नए किस्से के साथ।